नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त एनडीए में भगदड़ मची हुई है और ये सब कुछ चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का सुर इस वक्त मिला जुला नज़र आ रहा है और ये सब कुछ हो रहा है कोटे के अंदर, कोटा के मामले में। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को आपकी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोटे के अंदर कोटा हमको मंजूर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था की आरक्षण की, उसमें है सामाजिक आधार, उसमें है जो गैर बराबरी है उसको ठीक करना, और समाज के अंदर किस तरह का विभेद की भावना है, सामाजिक जो छुआछूत की भावना है उसको समाप्त करना। तो जब तक हम लोगों को मजबूत नहीं करेंगे आरक्षण व्यवस्था के तहत, तब तक ये इस तरह का खेल होता रहेगा। हम तो, हमारी पार्टी का स्पष्ट मान्यता है कि इसके लिए भारत सरकार को जिस तरह से एससी एसटी एक्ट में जो भारत सरकार ने अध्यादेश ला करके उसको सुधारने की दिशा में कार्रवाई की थी, उसी तरह से इसमें जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान में स्पष्ट मामला है कि छुआछूत और सामाजिक आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था उसको बरकरार रखा जाए, इसमें कोटा विद इन कोटा का कोई मामला नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, जीतन राम मांझी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो जब मधुबनी में मंदिर में गए थे तो किस तरह से छुआछूत मान करके मंदिर को धोने का काम किया गया था। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश जी जब अपना आवास को खाली किए तो उसको गंगा जल से धोया गया। इस तरह का कीर्त जब इन लोगों के साथ हो सकता है तो जो गरीब शोषित वंचित हैं उनके साथ किस तरह से होता होगा, ये समझा जा सकता। और आज भी दलित समाज के लोग, जो एससी एसटी के लोग हैं, वो घोड़ी पर चढ़ करके दुल्हा नहीं बन सकते हैं, उनको रोका जाता है, उनको उनके साथ मारपीट की जाती है। इस तरह के विभेद को ख़त्म करने के लिए जो बाबा साहब ने व्यवस्था की है वो व्यवस्था बनाए रखा जाए, इसके लिए भारत सरकार एक अध्यादेश लाए और जो विसंगतियां हैं उसको दूर करें। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के तमाम नेताओं की, अलग अलग इस पर सुर निकल कर नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान करा रुख अपना के रखे हैं, तो जीतन राम मांझी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। एनडीए के अंदर क्या स्थिति है ये वो लोग जाने, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि जो लोग भी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं लोग रोकने की दिशा में पिछले दरवाजे से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई उसको भी पिछले दरवाजे से रोकने का काम किया गया। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं ये एससी एसटी मामले में भी आया है, लेकिन हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार इस मामले में बिना राजनीति किए हुए जो बाबा साहब का संविधान का व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू करते हुए जो आरक्षण सामाजिक और सामाजिक विभेद के आधार पर है, छुआछूत के आधार पर, उसको बनाए रखेगी। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले लिए हैं, ऐलान कर दिए हैं, स्वागत करते हैं आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब कोई भी पीछे से आता है तो हम उसको अपने साथ वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, राजनीति करने का ये समय नहीं है, और राजनीति करके कहीं ना कहीं समाज के बीच में जो खेल खेलना चाहते हैं वैसे लोगों से बचने की भी आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से उनको देखना चाहिए कि समाज के अंदर कैसी व्यवस्था बनाई गई है। क्रीमी लेयर से तो कहीं डरे हुए नहीं है तमाम लोग बिहार में, वो नेता जो राजनीति करते हैं पासवान और ये आप पर। समझ लीजिए कि भारत के संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ये क्रीमी लेयर क्या होता है, जब हमको समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं और जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उनको दूसरी नज़रों से देखा जाता है, उनको गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को बनाए रखने में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए।
जी देखिए आप इजाज़ अहमद सर को सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्रीमी लेयर का जो बात निकलकर सामने आ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे में चिराग पासवान जो ऐलान किए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले को उठाएंगे, उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर राजद नज़र आ रही है और राजद ने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान के फैसले का हम स्वागत करते हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के जो सुर मिले हैं, ये सुर क्या गुल खिलाता है और क्या एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी एक बार फिर से बिहार में बज रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।